हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ माँ की ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है, बच्चा ढंग से डेवलप नहीं कर पाता है। कि माँ की ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से बेबी की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती, बेबी की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा आपका ठीक से, मतलब जो एक्चुअल उसका वेट होना चाहिए उस वेट से कम या कमज़ोर पैदा होता है। तो गलती ऐसी माँ क्या करती है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं। देखिए, जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में उठने बैठने की दिक्कत होती है, कुछ कई बार हमें नहीं अच्छा लगता है खाने पीने में, जिसकी वजह से हम मतलब खाने से ही हटने लगते हैं, कई बार वोमिटिंग होती है। तो ये तो आम सी बात है, ये प्रेगनेंसी के लक्षण है, ये बहुत मामूली बात है। लेकिन वोमिटिंग ये जो होती है, या किसी चीज़ से मन हटना, अगर आपको किसी चीज़ से मन हट जाता है, आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाने से ही ना कर दीजिए, आप खाना लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। आपको अगर किसी ड्राई फ्रूट से प्रॉब्लम है तो आप उस ड्राई फ्रूट को कहीं ऐसी जगह घर में रख दीजिए कि वो आपकी आंखों के सामने बार बार ना पड़े, जिससे कि आपका मन ना ख़राब हो, आपका मुंह का टेस्ट ना ख़राब हो कि इसका भी टेस्ट वैसा ही है। आप और बाकी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद आते हों, जो आपको अच्छे लगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़रूरी है और फ्रूट भी खाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई फ्रूट का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आपको वो फ्रूट नहीं खाना है, बाकी आपको दूसरा फ्रूट खाना है। आप बाकी सारे फ्रूट खा सकते हैं, और इस तरह से खाइए कि बच्चे को नुकसान ना हो, आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की डेवलपमेंट आपके खान पान पर ही डिपेंड करती है। थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन बैलेंस डाइट खाइए और कई बार खाइए। आप ऐसी कोई हैवी चीज़ ना खा लीजिए, जैसे आपको अगर कुछ बहुत अच्छा लगता है और आपने उसको ज़्यादा मात्रा में खा ली, उसके बाद आपको फिर थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगी, 4-5 घंटे बीत गए आपको भूख नहीं लग रही है, तो उससे क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट मील जो है वो मिस हो जाएगी, उसे आप नहीं ले पाएंगे। तो उससे मतलब एक टाइम हर चीज़ का बनाना पड़ता है कि इस टाइम पे मुझे फ्रूट लेना है, इस टाइम पे मुझे जूस लेना है, इस टाइम पे मुझे खाना खाना है। तो नेक्स्ट मील आपकी जब वो आप नहीं ले पाएंगी, तो जो फ्रूट का या जूस का टाइम होगा वो आपका निकल जाएगा, और इससे आपके बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो आपकी एक लिस्ट बनानी है कि आपको सुबह में क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, कितने बजे से कितने बजे तक कितनी मात्रा में आपको क्या चीज़ लेनी है। इसलिए इस तरह से आप सुबह से लेकर रात तक का अपनी लिस्ट बना सकती हैं, तैयार कर सकती हैं, और जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको आप प्रायोरिटी दीजिए, उनको आप अच्छे से खाइए, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में खाइए कि जितना कि आपके बेबी को नुकसान ना करे और आपकी नेक्स्ट मील स्किप ना हो, आप अपनी नेक्स्ट मील बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपको कोई ऐसी हैवी चीज़ भी नहीं खाना है कि जैसे आपने बहुत तला भुना या हैवी चीज़ खा लिया जिससे आपको गैस हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, ये भी आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। कि आप ये सोच के खा लें कि चलो भाई टेस्टी है तो एक बार खा लिया, नहीं, इससे वही प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम होगी, आपको गैस होगी, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपकी नेक्स्ट मील स्किप हो जाएगी, जो कि आपको ऐसे में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे खाना है। ज़्यादा खाने की वजह से भी बच्चे पनप नहीं पाते हैं, उन्हें पेट में जगह नहीं मिलती है फैलने की और वो पनप नहीं पाते हैं। इसलिए आपको बैलेंस डाइट लेना है और थोड़ी थोड़ी देर पर लेना है, एक साथ ज़्यादा भर के नहीं खाना है। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपको बहुत कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, जैसे कभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है या कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप उतनी ही मात्रा में लीजिए कि जितना कि आपको नुकसान ना करे। इससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे सर्दी जुकाम ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं, आपको इनसे भी बार बार बचना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन जो होता है सर्दी जुकाम, इनसे भी बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। क्योंकि वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है, या कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, सबसे पहले हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ता है, तो इस वजह से भी हम खाना नहीं खा पाते। फिर प्रेगनेंसी में तो अगर आप स्किप करते हैं एक भी टाइम अपना फ्रूट जूस या
खाना, तो उस टाइम पे तो आपकी बच्चे की ग्रोथ जाहिर सी बात है कि उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा आपकी बेबी के ग्रोथ पे। तो ये भी आपको नहीं करना है, जैसे मॉर्निंग में उठे और एकदम से बालकनी में चले गए या सुबह आप वॉक पे निकल गए, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हाँ, अगर आपको वॉक पे जाना है तो आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जैसा आपको फील हो रहा है उस हिसाब से आप कपड़े पहन के जाइए और अपने आप को पूरी तरह से सेफ करके जाइए। आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से सेफ करके जाइए। अब बात आती है सुस्ती की। जैसे ऐसी हालत में काफी सुस्ती सी हमें होती है, ना कुछ करने का मन करता है, ना कहीं आने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, लेकिन आपको एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और चेयरफुल रहना है। आप थोड़ी देर के लिए आउटिंग कीजिए, जैसे आप सुबह नहीं तो शाम को निकलिए, जाके सब्जी ले आइए, छोटी मोटी घर की चीज़ें ज़रूरत की आप जाके ले जाइए, लेकिन वॉक के साथ वॉक करके जाइए। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी व्हीकल से जाइए, थोड़ी दूर पे आप वॉक करने जाइए या पार्क में जाइए या अपनी बालकनी में छत पे घूम लीजिए, कुछ लोगों के साथ हंसिए बोलिए, उठिए बैठिए। दिन भर बिस्तर पे पड़े रह के फ़ोन देखना या सर में दर्द है, शरीर थका थका सा है, ऐसा करने से भी आपके बच्चे के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में असर होता है, वो रुक जाती है या कम होती है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। अब बात आती है कि बच्चे को क्या क्या ज़रूरी है। देखिए, आपने अगर बहुत हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खा ली तो सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, आपको कर्ब्स भी खाने हैं, फाइबर भी खाने हैं, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है। तो आपको ऐसी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कि सब कुछ हो, मतलब पूरे दिन में आपके शरीर की, बॉडी की सारी ज़रूरत कंप्लीट हो जाए। आपको इस तरह की चीज़ें लेनी है, खाइए, अच्छा खाइए, लेकिन बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि उसमें सारे विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैलेंस डाइट का मतलब है दाल चावल रोटी सब्जी थाली सजा ली, फ्रूट सलाद रख लिया, नहीं, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। चलिए देखिए, अगर आपकी दालें खाने का मन नहीं करता है, कोई एक दाल है जिससे आपका मन हट गया, दो दाल है मन हट गया, तो आप उसे उबाल के या उसे स्किप करके दूसरी दाल खा सकती हैं या उसे किसी दूसरे फॉर्म में खा सकती हैं। अगर आपका दाल खाने का मन नहीं करता है वो दाल, तो आप उसे पीस के उसका पराठा या चीला या किसी और फॉर्म में उसको खा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको छोले या राजमा से गैस हो रही है, तो आपको उसे कैसे खाना है, आप उसे पहले तो ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए, उसके बाद उसे छान के आप बॉईल कीजिए और बॉईल किया हुआ पानी हटा दीजिए, फिर देखिए कि वो आपको गैस उतनी परेशान नहीं करेगी। और गैस उसमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, फिर आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका एक बैलेंस डाइट भी इससे मेंटेन रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जानकारी के लिए आप मेरे चैनल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।